अब असैसन रीजन का क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहा है। असैसन ए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और दे क्या रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज 1 1, ये 1 1 है भाई, रियल नंबर है। रियल नंबर मैं 0.1 ले लूं, 0.1 रियल नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 क्या आएगा, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है, 0 और 1 के में छोटी वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 आ गया। 0.2 ले लूं तो इसको भी सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहां पर भी रियल नंबर है और यहां पर भी रियल नंबर है, 0.1 भी 0 से और 0.2 भी 0 से, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, तो क्या ऐसे फंक्शन को 1 1 कह सकते हो आप, नहीं होगा। इनफैक्ट 0 और 1 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं सबकी एक ही इमेज होगी, दैट इज 0, तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज तो नहीं है, तो ये आपका 1 1 तो नहीं होगा, यानी असैरसन तो फाल्स हो गया, ए इज फाल्स। रीजन को जरा पढ़ लेते हैं, इफ जो एक्स है कहां से कहां तक, एन से एन प्लस 1, मतलब दो नंबर जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, एक उससे अगला, ये क्या कह रहा है, और एक्स क्या है रियल नंबर, एक्स इन दोनों के बीच में जो आने वाली डेसिमल वैल्यूज हैं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन जो एक्स है वो एन के बराबर होगा। सही बात कह रहा है भाई, अगर यहां 1 है यहां 2 है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.1 रखूं इन दोनों के बीच की वैल्यू तो मिलेगा क्या 1, 1.5 रखूं तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी, यानी हमेशा लोअर लिमिट n मिल रही है हमें। अब नंबर बदल लो तब भी यही होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है n होगा जब x n और n प्लस 1 के बीच में आपका है, यानी रीजन सही है हमारा। तो आप बोलेंगे a इज फाल्स, r इज ट्रू, ठीक है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन 20, असर्शन ए है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं, पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर दूं तो यहां तो कट जाएगा, यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई सॉरी 3y इज इक्वल टू 1 बाई ई की पावर 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p किसके बराबर है हमारे पास 3 के बराबर है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है e की पावर पी डी एक्स होता है, तो यहाँ वैल्यू रख दो e की पावर पी डी एक्स यानी 3 dx, 3 को बाहर ले लेंगे और 1 का हो जाएगा x, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e की पावर 3x आ रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि e की पावर 3x आएगा, तो इनकी बात सही है, मतलब असर्शन सही है हमारा। और रीजन क्या कह रहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट ऑफ x ओनली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्या ये बात सही है गलत है, ध्यान से देखो केवल पी डी एक्स दे रखा है, और जबकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स, सो रीजन इज फॉल्स। तो क्या लिखेंगे आप, a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, और यहां पर क्या था a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू, तो क्लियर हुए हैं क्वेश्चन।